आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसमें आज हम कैसियो कंपनी के CTX सीरीज का स्टडी करेंगे, यानी कि CTX 8000 इन और CTX 9000 इन। दोनों भी कीबोर्ड्स वैसे तो सिमिलर ही है, लेकिन 9000 में कुछ अपग्रेडेड वर्जन्स और सेटिंग्स दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे, उसका ओवरव्यू कि कौन कौन से बटन्स कीबोर्ड के ऊपर है, उनका क्या यूज है, और ये ओवरव्यू खास आपके लिए। चलो दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। आज मैं कीबोर्ड का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ आपको, CTX 9000 इन एंड CTX 8000 इन। ऑलमोस्ट फंक्शनलिटी सेम ही है दोनों कीबोर्ड्स में। ओनली द डिफरेंस इज 9000 कीबोर्ड में टोन्स और रिदम का पैनल अलग से दिया हुआ है फोल्डर, जो 8000 में नहीं है। सो आइए देखते हैं हम कीबोर्ड में ये जो टोन सेक्शन दिया हुआ है कंपनी ने, उसमें ए और बी ऐसे कैटेगरी में टोन्स दिए हुए हैं जो कि आप एक ही बटन के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। रिदम के ऊपर भी दिया हुआ है, एक ही बटन के ऊपर आप ए और बी कैटेगरी में रिदम यूज कर सकते हैं। ऑन ऑफ का स्विच है, वॉल्यूम कंट्रोल है। यहाँ पे दिया हुआ है जो रिदम कंट्रोलर, यहाँ पे आप प्रीसेट्स जो रिदम्स है कंपनी ने दिए हुए, उसका कंट्रोलर पैनल है, जिसमें कि इंट्रो, वेरिएशंस, स्टार्ट स्टॉप एंड सिंक्रो एंडिंग स्टार्ट्स ऑप्शंस है। ये अकंपनीमेंट का बटन है, यानी कि आप जब कॉर्ड्स प्ले करेंगे तब आपको ये ऑन करना है। यहाँ पे फ्रीज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो पहले के कीबोर्ड्स में नहीं था कैसियो के। बैंक का बटन है, स्टोर का बटन है। बैंक्स में आप एक बैंक में आप ये 8 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन मेमोरी, यानी कि आप जो भी साउंड्स लगाएंगे उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेस पैड दिया हुआ है, ये भी नया ऑप्शन दिया हुआ है कीबोर्ड में, जो पहले नहीं था फ्रेस पैड। उसमें भी आप कुछ साउंड्स या इफेक्ट्स डालकर आप यूज़ कर सकते हो उसको। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो न्यूमरिक कीज़ है, मतलब जो भी टोन्स आपको चेंज करने हो या फिर रिदम्स चेंज करने हो या फिर किसी भी फंक्शंस के आपको वैल्यूज़ चेंज करने हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं न्यूमरिक कीज़ से। उसी न्यूमरिक कीज़ पे एरोज़ भी दिए हुए हैं उन्हें, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उससे आप वो इंटरनल फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट का ऑप्शन है, पार्ट और मिक्सर, यहाँ से आप रिदम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेट फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी आप टोन एडिटिंग मिक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेट्रोनोम दिया हुआ है, टैप टेम्पो का ऑप्शन है, पोर्टामेंटो है, टच ऑन ऑफ है। यहाँ पे ऑटो हार्मोनाइज एंड आर्पेजिएटर दिया हुआ है, स्प्लिट ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप कीबोर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं। अपर लेयर एंड लोअर लेयर ऐसे ऑप्शंस है यहाँ पे, यानी कि आप दो साउंड्स मिक्स करके बजा सकते हैं लेयर करके। ऑक्टेव का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे और ट्रांसपोज। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ये CTX 9000 का। सेम ओवरव्यू CTX 8000 इन का भी है, और ये जो सारे फंक्शंस है इसके हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, जो कि एक एक फंक्शन आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सके। और जो भी क्वेरीज रहेंगी, आपके कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो ओवरव्यू। ऐसे ही अलग अलग सेटिंग्स के हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियोस, सभी सेटिंग्स टाइम पर मिल सके। थैंक यू।